नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं स्टार 7 टीवी न्यूज। आइए बढ़ते हैं आज की खास खबरों की ओर। विडमगंज सोनभद्र स्थानीय थाना क्षेत्र के अंतर्गत 46 नंबर रेलवे क्रॉसिंग से लगभग 300 मीटर पश्चिम की ओर एक महिला रेल से कटने पर उसकी मौत हो गई। रेलवे के ट्रैक मैन पेट्रोलियम के दौरान देखने पर स्टेशन मास्टर और सीआरपीएफ को सूचित किया गया। स्टेशन मास्टर विडमगंज थाने को मेमो के माध्यम से सूचना दी गई। सूचना पाकर विडमगंज थाना प्रभारी मनोज ठाकुर अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों के द्वारा अज्ञात महिला की पहचान की गई। तो ग्रामीणों के द्वारा कुडवा निवासी सतेंद्र कुमार गुप्ता पुत्र जोगू गुप्ता ने बताया कि हमारी पत्नी सुलेखा देवी लगभग 6 महीने से खराब चल रही थी। इस दौरान 1 महीने पहले घर से निकली थी और हम लोग गांव घर हितनाथ हर जगह जगह सूचना और खोजना का सिलसिला जारी किया था। इसी बीच आज सुबह हम लोगों को राहगीरों के द्वारा सूचना मिली कि 46 नंबर रेलवे क्रॉसिंग कोन रोड पर एक अज्ञात महिला ट्रेन से कट गई है और हम लोग सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे तो पता चला कि हमारी पत्नी ही है और हमारे 3 बच्चे हैं, 1 लड़का और 2 लड़की। हमारी पत्नी का नाम सुलेखा देवी है, इसकी माई के ठरकिया गढ़वा झारखंड है। स्टार 7 टीवी न्यूज की कवरेज, जितेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। हाँ सर, ये 46 नंबर गेट से लगभग 1000 मीटर पश्चिम साइड एक औरत का शव मिला। ये आप लोग आए मौके पे सूचना के आधार पे, और यहाँ पे किस तरह से पहचान हुआ कि नहीं हुआ इसके बारे में कुछ दो शब्द बताइए। ये स्टेशन से जो हमारा रेलवे स्टेशन डुंडमगंज है, इन्होंने मेमो हमको दिया कि एक अज्ञात महिला कट गई है ट्रेन से। इस सूचना पर हम मौके पर आए हुए हैं, नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जा रही है। अच्छा, ये बताइए ये कौन मोड़ रेलवे क्रॉसिंग पास एक औरत का शव मिला है और आपको सूचना के आधार पर बुलाया गया है, एक पहचान में आपका क्या, आपके घर का कोई फैमिली है या पत्नी है, क्या है? पत्नी। तो ये पत्नी के घर से आप कब से गायब थी? कल 3-4 बजे। क्या बात लेकर घर से निकली थी? ये तो बात कुछ नहीं। अच्छा, मतलब दिमाग का इसका है। इनका नाम क्या था? सुलेखा देवी। कहाँ इनका मायके था? मायके है थरकिया। इनके बच्चे का वो है? बच्चे 3 हैं, 2 लड़की 1 लड़का। मतलब दिमाग से डिस्टर्ब थी और घर से निकल गए। और कब निकल जाती, कब कहाँ चल जाती कोई पता नहीं, हम लोग ढूंढ करके खोज करके बुलाते थे। अच्छा, ये कितने दिन से चल रहा था? अरे हो गया 5-6 महीना से। 5-6 महीना से मतलब दिमाग से डिस्टर्ब थी, लेकिन फिर भी कंट्रोल नहीं होने पाया। आप लोग कब से मतलब ये इसको खोजने के लिए तैयार घर से निकले थे? कल हम लोग जैसे सूचना मिला हम चल गए गाड़ी चलाने जी, और सूचना मिला गाड़ी खड़ा किए जी, रात भर खोजिए रहे जी। इसका माइक है पूरा, इसका रिश्तेदार में जी, पूरा घर गांव अपना खोजे जी, नहीं मिला। सुबह में फिर पता चला यहाँ से सूचना गया तो सूचना किसके माध्यम से मिला? अरे सूचना बहुत, जैसे रोड में जा रहे थे बोले कि कोई औरत रेल में कट के हो गया, इसी तरह सूचना मिला। अच्छा, ये बताइए ये कौन मोड़ रेलवे क्रॉसिंग पास एक औरत का शव मिला है और आपको सूचना के आधार पर बुलाया गया है, एक पहचान में आपका क्या, आपके घर का कोई फैमिली है या पत्नी है, क्या है? पत्नी। तो ये पत्नी के घर से आप कब से गायब थी? कल 3-4 बजे। क्या बात लेकर घर से निकली थी? ये तो बात कुछ नहीं। अच्छा, मतलब दिमाग का इसका है। इनका नाम क्या था? सुलेखा देवी। कहाँ इनका मायके था? मायके है थरकिया। इनके बच्चे का वो है? बच्चे 3 हैं, 2 लड़की 1 लड़का। मतलब दिमाग। इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी तरह की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल स्टार 7 टीवी न्यूज को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।